वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो करने लाइक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो बताऊंगा कि आप अपना जो व्हाट्सअप है वो अपना दूसरे फ़ोन में कैसे चलाएं, और वो भी बिल्कुल सेम अपनी चैट भी इंपोर्ट कर सकते हो और विदाउट एनी चैट डिलीटेड। आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक स्कैन की ज़रूरत है। आप अपना व्हाट्सअप दो फ़ोन में चला सकते हो एक साथ। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सअप वेब करके गूगल पर सर्च करना है। तो जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ, व्हाट्सअप वेब करके मैंने गूगल पर सर्च किया है। सर्च करने के बाद मैं यहाँ से व्हाट्सअप वेब वाली लिंक पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ थ्री डॉट्स पर आके डेस्कटॉप साइट ओपन कर दूँगा। तो ओपन हो रही है डेस्कटॉप साइट, जब तक आप वेट करो तो देखिए मेरा व्हाट्सअप इस वाले फ़ोन में पहले से लिंक है। तो देखिए अभी थोड़ा वेट लगेगा। तो आपको ऐसे ही करना है, मैं कर रहा हूँ यही प्रोसेस पूरा फॉलो करना है आपको। यहाँ आपके सामने एक बार कोड आ गया है, तो आपको जिस वाला व्हाट्सअप इस फ़ोन में लिंक करना है उस वाले व्हाट्सअप में आपको चला जाना है। तो मैं जाता हूँ, देखिए तो मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे वाले फ़ोन में, जिस फ़ोन वाले व्हाट्सअप को मुझे लिंक करना है। तो यहाँ से आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और लिंक डिवाइस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से यूज़ मोबाइल डाटा पर क्लिक कर देना है और यहाँ से वो वाला बार कोड स्कैन कर लेना है। तो मैं स्कैन कर लेता हूँ बार कोड वो वाला। तो देखिए लॉगिन हो रहा है वो, और देखिए सामने उस वाले फ़ोन में भी लॉगिन होने लगा है मेरा व्हाट्सअप। तो आपको इसको लॉगिन होने देना है। लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन का नाम भी डाल सकते हैं, तो कोई सा भी नाम डाल दो यहाँ पे। तो मैंने ओप्पो नाम डाल दिया है इस फ़ोन का और मैं अपने फ़ोन पर आ चुका हूँ। तो देखिए मेरे फ़ोन में व्हाट्सअप लिंक हो चुका है। देखिए कितने आसानी तरीके से सारी चैट इनपुट हो गई हैं और सारा मैं यहाँ से किसी पे भी चैट कर सकता हूँ, कुछ भी करना हो यहाँ से कर सकते हो विदाउट एनी ऐप। मतलब आपको व्हाट्सअप डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये क्रोम पर या गूगल पर आसानी से चला सकते हो। और आप यहाँ से डिलीट भी कर दोगे ना, फिर आप सर्च करोगे तो फिर भी आप आसानी से यूज़ कर पाओगे। मतलब आप परमानेंट यूज़ कर सकते हो इसको, बार बार डिलीट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मतलब बार बार स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार स्कैन कर लोगे फिर बार बार चलेगा, मतलब परमानेंट चलेगा ये व्हाट्सअप। तो यहाँ से आप चैट वगैरह सारे कुछ भेज सकते हो और देख सकते हो, कुछ भी करना हो वो कर सकते हो। और यहाँ से जैसे कि मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर दोबारा मैं ओपन करता हूँ व्हाट्सअप को, तो आसानी से ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं सर्च करके देखिए, मैं सर्च करता हूँ व्हाट्सअप ऐप, तो सर्च हो गया। मैं लिंक पर क्लिक करूँगा, लिंक पर क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ से थ्री डॉट्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डेस्कटॉप साइट को ओपन करता हूँ, तो मेरा वो वाला व्हाट्सअप ओपन होने लगा है देखिए। तो आपको बार बार लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार लिंक कर लो फिर आपके दोनों डिवाइस में वो व्हाट्सअप चलेगा। तो मैं उस वाले व्हाट्सअप उस वाले फ़ोन में भी आपको चला के दिखाऊंगा कि उस वाले में चल रहा है कि नहीं। तो उस वाले फ़ोन में भी चल रहा है व्हाट्सअप, मैं आपको दिखाऊंगा आपको। तो देखिए इस वाले फ़ोन में चल रहा है ये व्हाट्सअप, आपको बार बार लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं उस वाले फ़ोन में जाऊँगा थोड़ी देर में, उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि उसमें भी व्हाट्सअप चलता है कि नहीं। देखिए यहाँ सारी चैट वही आ गई है, सेम टू सेम सारा कुछ वही डाटा सेम टू सेम है। और देखिए अब मैं उस वाले फ़ोन में जाता हूँ, तो चलिए आ जाइए। तो देखिए मैं इस वाले फ़ोन में आ चुका हूँ और यहाँ भी आप व्हाट्सअप देख लीजिए कि यहाँ भी देखो दो डिवाइस लिंक थे, और देखिए यहाँ व्हाट्सअप चल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम व्हाट्सअप चल रहा है। आपको कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को